बिग मैजिक गंगा के दर्शकों को तृप्ति शाक्या का भक्ति भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भक्ति के उस समंदर में, जहां हम छठ पर्व पर अपनी विशेष प्रस्तुति उगीना सुरुज देव के साथ छठ व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। कल नहाए खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ की शुरुआत हो जाएगी, यानी नहाए खाए खरना, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ, इन सब की हम कल से बात करेंगे। लेकिन आज आपको छठ व्रत के शुरू होने की कहानी सुनाती हूँ। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है, इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल फूल अनाज अंड और शुक्र का निर्माण भी होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। इस महापर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की पूजा भी होती है। दोनों ही दृष्टि से इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म है। लेकिन कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये गीत। पिया
अब सुनते हैं छठ व्रत के शुरू होने की कहानी। एक थे राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने बाद जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या करने हेतु तत्पर हुए। आगे क्या हुआ ये जानेंगे इस भजन के बाद। एक का किया रे तोता, एक का किया
माता की अलौकिक कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय एक देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी हूँ। मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से ही छठ व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटकर आए, तब राज तिलक के पश्चात उन्होंने माता सीता के साथ सूर्य देवता की व्रतोपासना की, और उस दिन से जन सामान्य में यह पर्व मान्य हो गया और दिनानुदिन इस त्योहार की महत्ता बढ़ती गई व पूर्ण आस्था एवं भक्ति के साथ यह त्योहार मनाया जाने लगा। दीना
चार दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व की संपूर्ण कथा आगे के एपिसोड में भी जारी रहेगी। तो लीजिए छठी मैया का नाम जो बनाएंगी आपके सारे काम। नमस्कार।